डियर स्टूडेंट्स, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में जो नेक्स्ट जो टाइप होती है वो है पॉली ए टेल एडिशन। तो इसमें खूब सारे एडेनाइन ग्रुप्स अटैच होते हैं जिसको हम पॉली ए टेल एडिशन कहते हैं। तो ये किस तरह से अटैच होते हैं, अगर हम इसका हिस्टोरिकल प्रीव्यू देखें तो पॉली ए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसको 1960 में आइडेंटिफाई किया गया था। ये एक तरह के एंजाइमेटिक एक्टिविटी देखी गई जो कि सेल न्यूक्लियाई में देखी गई जो कि पॉलीमराइज कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ एटीपी। बहुत सारी सेल्स में इसको देखा गया था। 1971 में पता चला कि पॉली ए सीक्वेंसेस एमआरएनएज में प्रेजेंट होती हैं। जो फंक्शन जो होता है इन सीक्वेंसेस का वो सोचा गया था कि प्रोटेक्शन होता है, तीसरा जो एंड होता है आरएनए का न्यूक्लियस एंजाइम से। बाद में स्पेसिफिक जो रोल होता है पॉली एडेनिलेशन का न्यूक्लियर एक्सपोर्ट में और ट्रांसलेशन में उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ। पॉलीमरेज जो पॉली ए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो रिस्पॉन्सिबल है पॉली एडेनिलेशन के लिए, जिसको सबसे पहले प्योरीफाई और कैटेगराइज किया गया था 1960s और 70s में, और खूब सारे एसेसरी प्रोटीन्स उसके साथ में इन्वॉल्व थे जो कि कंट्रोल कर रहे थे इस प्रोसेस को, जिनकी डिस्कवरी हुई थी 1990s में। तो जो पॉलीमरेज जो एंजाइम है जो कि 1960s में देखा गया था एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी के तौर पर, फिर उसको प्योरीफाई किया गया और ये देखा गया कि बहुत सारा वो एडिशन करता है एडिनाइन ग्रुप्स का विद द हेल्प ऑफ एसेसरी प्रोटीन्स। ये पॉली एडिनाइलेशन या पॉली ए टेल एडिशन जो है वो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में जुड़ती है एमआरएनए में। पॉली ए टेल में मल्टीपल एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट होते हैं, अर्थात एडिनाइन बेसिस बहुत सारे होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पॉली एडिनाइलेशन एक पार्ट होता है, प्रोसेस होता है जो कि मैच्योर एमआरएनए को प्रोड्यूस करता है। बैक्टीरियल सेल में पॉली ए टेल जो है वो प्रमोट करती है डिग्रेडेशन को मैसेंजर आरएनए की, और वो हिस्सा बनाती है जीन एक्सप्रेशन का। जो प्रोसेस है पॉली एडिनाइलेशन का वो ट्रांसक्रिप्शन से शुरू होता है जीन के टर्मिनेशन के फॉर्मेशन में, और जो तीसरा जो सिरा होता है द थर्ड मोस्ट सेगमेंट जो होता है जो कि प्री एमआरएनए में बना है उसका क्लीवेज होगा बहुत सारी प्रोटीन्स के सहयोग से। अब ये जो प्रोटीन्स हैं ये सिंथेसाइज करेंगी पॉली ए टेल जो कि आरएनए के तीसरे एंड पर हैं, कुछ जो जीन्स हैं कुछ प्रोटीन्स के साथ में ऐड करती हैं पॉली ए टेल को बहुत सारी सेवरल पॉसिबल साइट्स में। इसलिए हम देखते हैं कि पॉली एडिनाइलेशन जो प्रोसेस है उससे मोर देन वन ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम अ सिंगल जीन, मतलब ऑल्टरनेटिव पॉली एडिनाइलेशन होता है। एक आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है लेकिन आप बहुत सारी उसमें पॉली ए टेल डाल देते हो सेवरल पॉसिबल साइट्स में, इसलिए ऑल्टरनेटिव पॉली एडिनाइलेशन पॉसिबल है। मैकेनिज्म क्या है कि जो 50 एडिनाइन समूह से लेकर 250 एडिनाइन समूह ऐड होते हैं तीसरे सिरे पर, जिससे कि पॉली ए टेल का निर्माण होता है। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे होते हैं ये एनकोडेड नहीं होते हैं डीएनए में, लेकिन पॉली एडिनाइलेशन प्रोसेस के द्वारा जुड़ते हैं। इसमें आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो ट्रांसक्राइब करता है और कोडिंग सीक्वेंसेस को, जिससे कि कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जो है तीसरे सिरे पर वो वहाँ पे हट जाता है। क्योंकि एक्स्ट्रा मटेरियल हट गया तीसरे सिरे से तो यहाँ पे पॉली ए टेल इंसर्ट हो जाएगी तीसरे सिरे पर। सीक्वेंसेस जो अपस्ट्रीम और जो डाउनस्ट्रीम हैं इस क्लीवेज साइट से वो नेसेसरी हैं प्रोसेसिंग के लिए तीसरे एंड से प्री एम आर एन ए के। डाउनस्ट्रीम जो हम क्लीवेज साइट देखते हैं वो सीक्वेंस रिच होती है यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड्स में, और कई सारे जो एमआरएनए हैं उसमें पॉली ए टेल कन्फर करती है स्टेबिलिटी,
इंक्रीज़ करती है टाइम जिसमें कि हम एमआरएनए इंटैक्ट रह सके, अवेलेबल रह सके ट्रांसलेशन के लिए। पॉली ए टेल इन्हांस करती है राइबोसोम अटैचमेंट को मैसेंजर आरएनए से। तो हम इस डायग्राम से देख सकते हैं पॉली एडेनाइलेशन कि किस तरह से पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस यहाँ पे मिलता है और उसके बाद में आरएनए का थर्ड एंड जो है वो क्लीवेज हो जाता है उसमें। क्लीवेज होने से कई सारे प्रोटीन्स उसमें सहयोग करती हैं, CPSF वगैरह, और पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम PAP एक्टिवेट हो जाता है और वो यहाँ पे आके जुड़ता है तीसरे एंड पर, और फिर पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन्स आके जुड़ती हैं इस स्थल पर जिस पे कि सबसे पहले CPSF आके जुड़ गया था। फिर यहाँ पे एडिशनल पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन्स और आके जुड़ती हैं। तो इस तरह से पॉली एडेनिलेशन प्रोसेस होता है जिसमें कि सबसे पहले पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस होगी, फिर क्लीवेज होगा आरएनए का तीसरे सिरे पर, फिर एडिशन होगा एडेनाइन ग्रुप्स का पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम के सहयोग से। फंक्शन क्या है इसका, हम देखते हैं कि न्यूक्लियर पॉली एडेनिलेशन में जो टेल का जो एडिशन हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन के एंड में, मैसेंजर आरएनएज में पॉली ए टेल प्रोटेक्ट करती है एमआरएनए मॉलिक्यूल को एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन से, जो कि साइटोप्लाज्म में होगा, ट्रांसक्रिप्शन को बंद कर देगा। इसीलिए यूकैरियोटिक एमआरएनएज जो ज़्यादातर पॉली एडेनाइलेटेड होती हैं। ये जो ओनली एमआरएनए होती हैं यूकैरियोट्स में जिनमें की नहीं होती है, वो बनाती हैं एक स्टेम लूप स्ट्रक्चर प्यूरिन रिच सीक्वेंस के बाद में, जिसको कि हम हिस्टोन डाउनस्ट्रीम एलिमेंट कहते हैं, जो कि डायरेक्ट करती है कि आरएनए कहाँ कट हुआ है। तो यूकैरियोटिक नॉन कोडिंग आरएनए जो होते हैं, जो कि पॉली एडेनाइलेटेड होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के एंड में, कुछ स्मॉल आरएनए जहाँ पे कि पॉली ए टेल को देखा गया है इंटरमीडिएट के रूप में, ना कि मैच्योर जो आरएनएज होते हैं उनके जो एंड्स होते हैं वहाँ पे भी हम इनको रिमूव कर देते हैं प्रोसेसिंग में। नोटेबल वंस माइक्रो आरएनएज देखे गए हैं, बट जो ज़्यादातर लॉन्ग नॉन कोडिंग जो आरएनएज हैं वो लार्ज ग्रुप बनाते हैं रेगुलेटरी आरएनएज का। पॉली ए टेल डाउन स्ट्रीम इफेक्ट्स दिखाता है, तो जो पॉली ए टेल जो है वो बाइंडिंग साइट्स है पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन का। पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन प्रमोट करेंगी, एक्सपोर्ट होगा न्यूक्लियस से ट्रांसलेशन का, और डिग्रेडेशन एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ अवमंदित होंगी। प्रोटीन बाइंड करेगी पॉली ए टेल से एमआरएनए एक्सपोर्ट से पहले, और एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन एक्सपोर्ट होगी साइटोप्लाज्म में आरएनए के साथ में। पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो बाइंड कर जाती है, रिक्रूट करती है दूसरी प्रोटीन्स को जो कि ट्रांसलेशन को इफेक्ट करेंगे। उसमें से एक है इनिशिएशन फैक्टर -4G जो कि रिक्रूट करती है 40S राइबोसोमल सबयूनिट को। पॉली ए टेल जो है वो डिटरमाइन करती है कि फेट क्या होगा आरएनए मॉलिक्यूल्स का जो कि नॉट पॉली ए टेल्ड हैं, इसलिए वो इंड्यूस करेंगे आरएनए डीके को। क्या महत्व है इस मॉडिफिकेशन प्रोसेस का, ये न्यूक्लियर एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरी है, ट्रांसलेशन के लिए ज़रूरी है, स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। जो टेल है वो शॉर्ट हो जाएगी ओवर टाइम, और जो शॉर्ट हो जाएगी तो उसको एंजाइम डिग्रेड कर सकते हैं कुछ सेल टाइप्स में, जबकि एमआरएनए में शॉर्ट पॉली ए टेल्स हैं तो वो स्टोर्ड रहती हैं एक्टिवेशन के लिए, जो कि वापस होगा री पॉली एडेनाइलेशन का साइटोप्लाज्म में। बैक्टीरियल सेल में जहाँ पे कि पॉली एडेनाइलेशन को देखा गया है वो प्रमोट करते हैं आरएनए डिग्रेडेशन को, और ये केस है ज़्यादातर यूकैरियोटिक नॉन कोडिंग आरएनएज़ का। एमआरएनए मॉलिक्यूल जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में हैं जिनमें कि पॉली एडेनाइलेटेड 3' एंड्स हैं, और प्रोकैरियोटिक पॉली ए टेल जो हैं वो छोटी होती हैं और उनमें लेस एमआरएनए मॉलिक्यूल्स पॉली एडेनाइलेटेड होते हैं। आई होप आपको ये जो मॉडिफिकेशन का जो टाइप है पॉली ए टेल एडिशन, ये बहुत ही सरल शब्दों में समझ में आया गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।